नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि वो प्रॉपर्टी, वो संपत्ति जो आपको अपनी माता या पिता की तरफ से मिली है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको वो संपत्ति मिली है, वहां पर कोई विल वसीयत नहीं बनाई गई, बल्कि जो जनरली तौर पर पिता का देहांत हो जाता है, उसके बाद उनकी वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उनके बच्चों के पास जब वो आती है, तो क्या वह सेल्फ एक्वायर्ड ही कहलाएगी बच्चों के पास आकर, या फिर उनकी पैतृक संपत्ति कहलाई जाएगी। अब दोस्तों, आज जो मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर करके देने वाला हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करने वाला हूं। और यकीन माने, तीन महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो अगर आप भी किसी पारिवारिक संपत्ति को इनहेरिटेंस के तौर पर लेकर बैठे हैं, या फिर फ्यूचर में आपको पता है आपके पास कोई प्रॉपर्टी आने वाली है, तो यह वीडियो आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस इंफॉर्मेशन को आपने गेन कर लिया, तो यकीन माने जो प्रॉपर्टी आपके हाथ से भी चली गई है, उसको भी आप रिकवर कर सकेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत सपोर्टिव होता है, और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करके दे दिया जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कराई है, जहां पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली 1-to-1 मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जानना अनिवार्य है कि संपत्ति दो प्रकार की है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी है जिसको सरल हिंदी भाषा में स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है। इसका मतलब जिस इंसान ने अपनी खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदी हो, वह उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वह है जो एक इंसान ने खुद नहीं खरीदी, बल्कि उसको इनहेरिटेंस के तौर पर अपने दादा परदादा परदादा के थ्रू मिली है। दोस्तों, ये उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसे सरल हिंदी भाषा में पैतृक संपत्ति कहा जाता है, कहलाई जाएगी। अब दोस्तों, आज का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर एक प्रॉपर्टी जो एक इंसान अपने फादर के थ्रू इनहेरिटेड कर रहा है, यानी कि जब एक इंसान के पिता का देहांत हो जाता है, पिता कोई विल वसीयत नहीं बनाकर गया, और वह प्रॉपर्टी उनके सभी भाई बहनों में आ गई, अब वह संपत्ति जो है किस तरह की संपत्ति कहलाएगी? क्या वो पैतृक होगी? क्योंकि पैतृक होते ही उनके आगे के तीन पीढ़ियों तक बच्चों का हिस्सा आ गया। अगर स्वार्जित संपत्ति है, तो उनके जो मां बाप है, जहां पर वो प्रॉपर्टी उनसे मिली है, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड हो जाएगी और किसी को भी कोई हिस्सा उनको वहां पर नहीं देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अब इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले आप लोगों को इसका केस टाइटल डिस्कस कर लिया जाए, इसके बाद केस का बैकग्राउंड आपको क्लियर किया जाएगा, फिर आखिरी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, वह मैं यहां पर आपको क्लियर करके दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। केस टाइटल है दोदा मुनियप्पा डिकीज थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस मुन्नी स्वामी एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7141/2008, और ये जो जजमेंट पास की गई है 1 जुलाई 2019 में पास की गई है। अब केस के बैकग्राउंड और फैक्ट्स आपको क्लियर करके दे दिए जाएं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी, यह पॉइंट मैं आपको क्लियर करके दूंगा। अब देखिए दोस्तों, केस के फैक्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। देखिए, चिक्काना नाम का एक व्यक्ति है जिसके अराउंड ये पूरा केस रिवॉल्व होता है। जब चिक्काना नाम के इस व्यक्ति का देहांत होता है, तो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उनके तीन बच्चों के बीच में आकर रह जाती है। नाउ दोस्तों, उन तीनों भाइयों ने मिलकर उस प्रॉपर्टी को साल 1950 में आगे सेल कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी को? जो उनके अपने फादर चिक्काना से मिली है। पर जब वो प्रॉपर्टी सेल की गई, वहां पर एक रिकन्वीनियंस क्लोज डाला गया। रिकन्वीनियंस मतलब उसमें एक तरीके की टर्म्स कंडीशन आ जाती है कि एक अमाउंट है, जब तक वो पे नहीं किया जाएगा, वो प्रॉपर्टी आगे नहीं बेची जा सकती। तो ये इस प्रकार का रिकन्वीनियंस क्लोज उसके अंदर मेंशन कर दिया गया। अब दोस्तों,
जिसको वो प्रॉपर्टी बेची गई थी उसने इस रिकन्वीनियंस क्लोज का पालन नहीं किया और ये प्रॉपर्टी आगे बेच दी गई पिटीशनर को। पिटीशनर का नाम क्या है? डोडी मुनियप्पा, जो मैंने केस टाइटल के अंदर भी आपको बताया था। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर एक रिकन्वीनियंस क्लोज था, यानी कि जब तक वो पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं कर दिया जाता था सेलर को तब तक वो प्रॉपर्टी आगे नहीं बेच सकते थे, और उन्होंने तो यहां पर डोडी मुनियप्पा नाम के व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेची थी। अब इस चीज से परेशान होकर यहां पर जो चिक्काना के तीन बच्चे थे जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची थी, उन्होंने साल 1964 में एक केस डाला और वहां पर उन्होंने डिमांड की कि जो रिकन्वीनियंस क्लॉज है इसको एग्जीक्यूट करके उनको पोजेशन वापस दिलाया जाए, डिक्री उनके फेवर में दिलाई जाए। अब इस चीज की डिक्री उनके फेवर में साल 1974 में डिलीवर हो गई दोस्तों। अब जब ये साल 1974 में डिक्री उनके फेवर में हुई तो इसकी एग्जीक्यूशन के लिए अपील डाली गई, जहां पर चिक्काना के तीनों बेचे और जिसको वो प्रॉपर्टी आखिर में बेची गई थी डोडी मुनियप्पा के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हुआ। अब दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट में क्या देखा गया कि वह प्रॉपर्टी आखिरी में आकर डोडी मुनियप्पा को ही दे दी गई। पर किसकी तरफ से दी गई है आप ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्रोमाइज करते हुए यहां पर चिनक्का के बेटों की तरफ से ही यहां पर डोडी मुनियप्पा को वापिस दी गई है। अब दोस्तों यहां पर अब प्लेंटिव का कहना है कि उनके जो फादर और फादर के जो ब्रदर्स हैं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करते हुए डोडी मुनियप्पा को जो प्रॉपर्टी दे दी है ये कॉम्प्रोमाइज उनके ऊपर बाउंड नहीं करता, यानी कि ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका कहना है भाई कि ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की नहीं थी कि वो किसी को भी अपनी मर्जी से दे दे, ये प्रॉपर्टी मेरे पिताजी को मेरे दादा से मिली थी, यानी कि चिनक्का नाम के व्यक्ति से मिली थी, और ऐसी कंडीशन में ये ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसी स्थिति में ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में तो हमारा भी बराबर का राइट आना चाहिए, ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मतलब कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। अब दोस्तों इस तरीके का केस यहां पर प्लेंटिफ ने ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का कहना है कि जो प्लेंटिफ कह रहा है कि मेरे दादा की संपत्ति थी वो साबित ही नहीं कर पाया कि जब उनके पिता के पास ये प्रॉपर्टी आई है उस समय वह उनकी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो गई है। अब दोस्तों ये मैटर आगे चलकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स कर देते हैं, ये कहते हुए कि जो उनके पिता और डोडी मुनियप्पा के बीच कॉम्प्रोमाइज होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर बाउंड नहीं है। भाई वो उन्होंने किया अलग बात है, बट प्लेंटिफ उसके अंदर बाउंड नहीं होंगे क्योंकि ये इनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। नाउ अब प्रेजेंट केस में जो पिटिशनर है वो आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। पिटिशनर कौन है? डोडी मुनियप्पा, जिसको आखिरी में प्रॉपर्टी सेटलमेंट होने के बाद मिल गई। अब दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स जाते हैं, जहां पर एक सबसे पहले चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का हवाला दिया जाता है। डिस्प्ले पर दिखाकर ही मैं जजमेंट आपको समझाऊंगा ताकि कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाए। देखिएगा डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जजमेंट का नाम है एसएमटी दीपो वर्सेस वसम सिंह एंड अदर, साल 1983 की जजमेंट है, इसका साइटेशन नंबर है 3 SCC 376। यहां पर जो ऑनरेबल जजेस की बेंच थी उन्होंने यही कहा था कि जो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेड की जा रही है पिता की तरफ से उनके बच्चों को वो क्या बनेगी? बिकम्स जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इन द हेड ऑफ सन, यानी कि अगर आप अपने पिता से कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के तौर पर ले रहे हैं, ध्यान दें विल वसीयत नहीं बनी है, पिताजी का देहांत सीधा हो गया है और वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई है तो वह आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। ये कंसेप्ट इस रेलिवेंट जजमेंट में भी आया और बड़ी लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने इसके अंदर आपको क्लियर की दोस्तों। अब दोस्तों इस रेलिवेंट जजमेंट के साथ और अगर हम मिताक्षरा लो या फिर मुल्ला लो की बात करते हैं तो वहां पर भी ये चीज क्लियरली इंडिकेटेड है। अगर आप एक अच्छे सिविल एडवोकेट हैं तो आप ये चीज ऑलरेडी जानते भी होंगे कि अगर एक प्रॉपर्टी आप अपने थ्री अपर एंसेस्टर से इनहेरिटेड कर रहे हैं तो वह आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बन जाएगी और आपके आने वाली तीन पीढ़ी तक उस पर बराबर का राइट होगा। अब डिस्प्ले पर मैं दिखाकर समझा देता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यहां पर क्या किया। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये प्रिंसिपल हम यहां पर अप्लाई करें, कौन सा प्रिंसिपल? मिताक्षरा लो, मुल्ला लो या फिर जो रेलिवेंट जजमेंट मैंने अभी डिस्कस की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 1933 की, तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि प्रेजेंट केस में जो रिकन्वीनियंस डीड बनाई गई थी साल 1974 में ऐसी कंडीशन में उसी समय, क्योंकि चिकाना वे नाम के व्यक्ति का जब देहांत हुआ तो उनके पिता के उनके बच्चों के पास प्रॉपर्टी आई तो वो उसी समय से ही जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का करैक्टर एज्यूम करा रही है, तो वहां पर वो प्लेंटिफ के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ही देखी जाएगी। और यहां पर जो कॉम्प्रोमाइज एग्जीक्यूट किया गया है उनके पिता और डोडी मुनियप्पा के बीच वो वहां पर उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए साफ लिखा है कंसेंट विल नॉट बाइंड देम, यहां पर उनकी पिता की तरफ से दी गई कॉम्प्रोमाइज उन प्लेंटिफ के ऊपर बाउंड नहीं होगी। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर की और पिटीशनर की तरफ से डाली गई पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब दोस्तों यहां से आपको क्लियर हुआ मिताक्षरा लो, रेलिवेंट जजमेंट 2019 की मैंने आपको क्लियर की, साइन 983 की जजमेंट आपको क्लियर की, मुल्ला लो में क्लियर किया कि अगर आप इनहेरिटेंस के तौर पर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वह आपकी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी
और ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट की जाती है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर कर देता हूं। डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, श्याम नारायण प्रसाद वर्सेस कृष्णा प्रसाद 2 जुलाई 2018 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5415 और 2011। देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों इस जजमेंट के अगर 12th क्लोज पर आप जाते हैं तो वहां पर आपको ये कंसेप्ट क्लियर किया गया है। मैं आपको 12th क्लोज डिस्प्ले पर दिखाकर समझा देता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या लिखा है, इट इज सेटल्ड दैट, यानी कि ये चीज क्लियर है कि जब एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेड की जा रही है मेल हिंदू की तरफ से, कहां से, अपने पिता फादर्स फादर्स यानी कि अपने दादा फादर्स फादर्स फादर यानी कि अपने परदादा, तो वो क्या होगी, उनके लिए उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। यानी कि दोस्तों वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो सेम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की तरह ही एक्ट करेगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों की कंफ्यूजन ये भी रहती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तो बंटवारा हो गया, अगर बंटवारा हो गया तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी। जी नहीं दोस्तों, ये कंसेप्ट भी इसी जजमेंट में क्लियर किया गया है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप इस जजमेंट के 13th क्लोज पर ध्यान दें तो वहां पर यही कंसेप्ट क्लियर किया गया है। डिस्प्ले पर देखिएगा क्या लिखा है, शेयर विच अ कोपार्टनर ओपेन, यानी कि अगर एक हमवारिस किसी हिस्से को पाता है, कब, जब पार्टीशन किया गया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, तब, तो वो क्या कहलाई जाएगी, इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एज रिगार्ड हिज मेल इशू, तो वह उस स्थिति में भी पैतृक संपत्ति का दर्जा रखेगी। यानी कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आप बंटवारा कर देते हैं तो अगर आपके आगे कोई बच्चे हैं उनका तब भी उस पैतृक संपत्ति में अधिकार रहने वाला है। हाँ, अगर आपके आगे कोई बच्चे नहीं है तो वह आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो गई, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, गिफ्ट डीड कर सकते हैं, विलवसियत कर सकते हैं। पर अगर सेपरेट होते ही आपने आगे शादी की, आपके कोई आगे बच्चे आ गए, लीगल इयर्स आ गए, तो उनका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में अधिकार आ जाएगा। ये सारी रेलिवेंट चीजें इस महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर की गई थी दोस्तों। अब दोस्तों मैंने यहां पर आपको 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट क्लियर की। अब एक ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों का मन होता है कि मैं जो बताऊं वो उससे एडिशनल जानना चाहते हैं, इसको और डीपली समझना चाहते हैं। तो एक मद्रास हाई कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, अगर आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ते हैं तो आपको कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखिएगा केस डिटेल्स मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यहां पर समझा देता हूं। जजमेंट का नाम है एस अंपूर्णम वर्सेस सी के शनमुंगम, 5 अप्रैल 2022 की जजमेंट है। इसका आप एसए नंबर 726 ऑफ 2026 नोट भी कर सकते हैं, ताकि इसको बड़ी इजीली आप फाउंड आउट कर सकें। अगर आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ते हैं तो जो भी रेलिवेंट जजमेंट मैंने आज आपको बताई उन सभी का डिस्क्रिप्शन में इसमें प्रोवाइड कराया गया, यानी कि इस जजमेंट में उन सभी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिला कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा कब प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल, कब सेल्फ एक्वायर्ड, कब सेपरेट कहलाई जाएगी। अब दोस्तों अगर मेरी तरफ से प्रोवाइड कराई गई ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।